हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि अगर गर्मियों में इस समय, क्योंकि जो बरसात का सीज़न होता है उसमें गर्मी बहुत ही चिपचिपी वाली और बहुत ही अजीब सी गर्मी पड़ती है, तो जो डायपर पहनाने से बच्चों को रैसेज आते हैं, उससे उसकी क्या रेमेडी होती है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो डायपर से रैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जनरली आप जब बच्चों का डायपर रिमूव करेंगी, हटाएंगी, तो आप देखेंगे कि या तो छोटे छोटे रेड रेड दाने जैसे दिखेंगे या फिर पैचेज जैसे दिखेंगे, छोटे छोटे रेड पैचेज आपको दिखेंगे। तो ये रैसेस होते हैं, और ये क्योंकि बच्चों जो होते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार उन्हें बाथरूम आती है और वो बहुत गिलापन महसूस होता है, इसीलिए उनको रैसेस हो जाते हैं और वो बहुत ही टाइट भी होता है एक तरह से। तो ये तो हो गया कि कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं रैसेस। अब दूसरा हम लोग जानेंगे कि यदि ये बच्चे को रैसेस हो गए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो अगर बच्चे को रैसेस हो गया है तो उसके लिए हम बिल्कुल होम रेमेडी ही अपनाएंगे, पहले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे अगर यदि कोई सीरियस कंडीशन ना हो तो। तो सबसे पहले हमें नोटिस कर लेना है कि बच्चे को रियल रैसेस हैं या कुछ और है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को रैसेस पड़े हैं गर्मी की वजह से या बरसात का मौसम है, चिपचिपा मौसम है उसकी वजह से, तो इसमें जो चार पांच चीज़ें हैं वो बहुत कारगर होती हैं। तो सबसे बेस्ट जो होम रेमेडी है वो है नारियल का तेल। हमें क्या करना है, बच्चे का डायपर रिमूव करने के बाद उसे बिल्कुल हल्के से साफ कपड़े से या फिर वाइप से क्लीन कर लेना है एरिया को, और एक टेबल स्पून जो है नारियल का तेल लेना है और उसको लेके बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे हमें मसाज करना है, और मसाज करने के बाद आधे से एक घंटे हमें छोड़ देना है। उस समय आप बिल्कुल कुछ ना पहनाएं, थोड़ी देर बच्चों को हवा लगने दें और थोड़ा उन्हें ताज़ी हवा लेने दें, और इसके बाद आप उसको छोड़ दें। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी है अब तक का। और दूसरा है एलोवेरा। आप अपने या तो घर में एलोवेरा लगाई होंगी या फिर एलोवेरा जेल रखी होंगी, तो आप रिमूव करने के बाद उसको बिल्कुल वाइप से पोंछ लें और एलोवेरा का पल्प ले करके या फिर जो भी एलोवेरा जेल है उसको ले करके आप उसको जो जहाँ पे पैचेज हुए हैं बच्चे को वहाँ पे अच्छे से लगा दें और लगा के ड्राई छोड़ दें। और तीसरा जो है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके मामले में, हालांकि गर्मियों में ऑलिव ऑयल यूज़ थोड़ा ना करें तो बेटर है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल है और आप कोई और रेमेडी नहीं अपनाना चाहती हैं या फिर कोई और ऑयल या ऑइंटमेंट नहीं लेना चाहती हैं, तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं। और चौथा जो है वो है कर्ड। कर्ड भी इसके मामले में बहुत ही बेनिफिशियल है। आप बिल्कुल एकदम ताज़ा घर का बनाया हुआ कर्ड ले सकती हैं, या फिर अगर घर का बना हुआ अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकती हैं। तो कर्ड आप पैचेस वाले प्लेस पे कर्ड अप्लाई कर दें और कुछ देर के लिए छोड़ें और फिर वाइप से हल्का सा पोंछ के हटा दें उसको, और बच्चे का जो डायपर एरिया है उसको खुला रहने दें। और इसके अलावा जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डायपर का इस्तेमाल कम करना पड़े। आप थोड़ा बच्चे को बाहर रखें, आप बार बार उसकी नैपी चेंज कर सकती हैं, उसको जो भी उसकी लंगोटी या फिर छोटे छोटे पैंटी आते हैं वो चेंज कर सकती हैं। आप कोशिश करें कि आप ऐसे टाइम में ही पहनाएं जिस टाइम आपको ज़्यादा असुविधा ना हो रही हो, जैसे रात में लोग पहनाते हैं, मैं भी अपने बच्चे को रात में ही पहनाती हूँ, दिन में नहीं ज़्यादातर पहनाती हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा सा वो हवा महसूस करेगा और थोड़ा ड्राई रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो पैचेस पड़ने का डर रहता है। अगर आप रात में पहनाती हैं तो यकीनन, क्योंकि आपको बार बार उठ के उसका पैंट वगैरह ना चेंज करना पड़े इसलिए पहनाती हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का जो डायपर एरिया है वो खुला रहे, आप उस डायपर की जगह आप उसको पैंट या लंगोटी पहना है। इसके अलावा ये है कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। यदि दाने बहुत बड़े बड़े हैं या फिर दानों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कुछ सिक्रेशन हो रहा है, दानों से अंदर से निकल रहा है, या फिर बच्चा बहुत इची फील कर रहा है या फिर जलन महसूस कर रहा है, उसकी वजह से बच्चे का शरीर गर्म हो गया है, तो इस केस में आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तुरंत कंसल्ट करें, बिल्कुल देर ना करें,
क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत ही कोमल होती है और हमें बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो गाइस ये थी डायपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप हमारे वीडियो देखते रहें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।